4 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। ऐसे में बड़े किसानों का हौसला ही टूट गया। बांदा जिले के मटौंद गांव के कुलदीप सिंह ने खबर सुनी और फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के अनुसार कुलदीप सिंह 28 बीघे का काश्तकार था। लगातार 3 साल से सूखे के कारण लगभग 3 लाख बैंक का कर्ज हो गया था। बताइए कैसे ये घटना हो गई? ये घटना जो है रात में 8 बजे हुई। वो परेशान थे, कर्ज के तनाव को लेकर माफ नहीं किया गया था, उसी के चलते जो है उन्होंने फांसी लगा ली। परेशान तो थे ही, अपने मित्रों से बात करते थे जो है कि अब कैसे होगा, पैदावार बहुत कम हुई है। उसके पहले सूखा पड़ रहा था, 3-4 साल से कंटिन्यू सूखा पड़ रहा, पिछली बार कुछ बोया ही नहीं गया था। 3-4 लाख कर्जा, 1.5-2 लाख तक कर्जा बैंक ही का है। ब्याज समय ज्यादा, ब्याज तो ज्यादा भी गई, तीनों पहुंच गए। और गांव के लोगों का कितना है? लाख खाड़ का गाँव का भी यही उन्हें यह शांति रहा कि बैंक का कर्जा माफ हो जाए, वहाँ बैंकों का कर्जा न माफ हो। तो सबसे ज्यादा बीटीएम के पढ़ाई लिखाई का नहीं लागे, कोनो के तबियत खराब हो जाती का नहीं लागे, घर में डॉक्टर का नहीं लागे, झूर अंगान ले भी वह भर खा ले भी का नहीं लागे, रोज का 10-20 रुपया का सब्जी साग लागे थी का नहीं लागे था। तो कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं किया इसका? हमसे जिक्र जब उनको ये सूचना होगी कि बुंदेलखंड का किसान जो है बृहत होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति है, पैदा तो होता नहीं, तो सरकार समझेगी। सर तो ये है कि मटौंद में एक मामला आया है जो किसान के मौत का। हाँ, हमारे संज्ञान में एक प्रकरण कल रामनवमी के जुलूस के दौरान आया था, उनके को करा दिया गया है पोस्टमार्टम और नायब तहसीलदार से जांच कराई गई है। 3 लाख रुपए का बताया जा रहा है, कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिला। उनके परिवार के लोगों द्वारा बताया गया है KCC उनका है, तो ये भी बताया गया है कि वो शराब और पीने के आदि थे, इस नाते इस तरह हो गई है। इससे पहले भी उन्होंने कुछ खा के एक बार आत्महत्या करने का प्रयास किया था। सर परिवार के लोगों ने कहा जब हम गए कि जैसे ही ये जो बैठक थी कैबिनेट की और कर्ज माफी की बात आई, वैसे ही उन्होंने ऐसा कर लिया। तो अब ऐसी कोई चीज हमारे संज्ञान में जांच करा ली है, इसे प्रकरण आते हैं, इसका मतलब नहीं आत्महत्या कोई है। आत्महत्या को ऐसे भी नहीं करना चाहिए आदमी को, व्यक्ति को अपने ग्रीवांसेस बताना चाहिए, उनको क्या क्या सुविधाएं हम लोग दिला सकते हैं।